हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद, और खास तौर पर मैनिफेस्टो की जो कमिटी टीम है उसमें मैम रंजीता रंजन जी है। मैम, सबसे पहला सवाल यही होगा कि जिस तरीके से अभी मैनिफेस्टो में तमाम वादे और दावे किए गए और एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, तो क्या गारंटी और वादों दावों का जो बनाम चुनाव है ये जुमला बनाम कांग्रेस की गारंटी है। और मैं अपनी गारंटी पे इसलिए पूरा विश्वास के साथ कॉन्फिडेंट हूँ, हम मनरेगा लेकर आए थे, हमने 120 से 220 रुपए दिए, अब हम उसको 400 रुपए करने वाले हैं। हम MSP लेकर आए थे और हम MSP को स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बढ़ाने जा रहे हैं। हम किसानों का कर्ज माफ़ किया था कांग्रेस ने, अब दोबारा करने जा रहे हैं, हमारी सरकार आती है। युवाओं को एक तरफ आप 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देके आए थे, 10 साल हो गए, हमने कई गवर्नमेंट जॉब दी, कई ऐसे स्कोप दिए युवाओं को, और हम कह रहे हैं कि हम उनको 1 लाख रुपए की गारंटी दे रहे हैं। हम महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन से लेके विडो पेंशन लेकर आए थे, हम कह रहे हैं कि अब महालक्ष्मी योजना के तहत, सालाना न्याय योजना के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए हम 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से जैसे आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका है, हम उनका मानदेय डबल करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम लेकर आए थे। अब जैसे कस्तूरबा गांधी स्कूल था, उसके तहत हम और अच्छे स्कूल बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए के आ रहे हैं, तो हमें गारंटी इसलिए है क्योंकि हम ढकोसला नहीं है, जुमला नहीं है, हमने किया है और उसको और इम्प्रूव कर और बेहतर करेंगे। दूसरी तरफ भाजपा की गारंटी है, उसमें दिख रहा है कि उसकी गारंटी में उनको सत्ता पाना ज्यादा दिख रहा है, ना कि जो गारंटियां वो लोगों के लिए कह के आए थे वो फुलफिल किए। इस वक्त देश में एक बड़ा मुद्दा CA को लेकर भी है, तमाम उस पर बातचीत हो रही है, लेकिन मैनिफेस्टो में उसका कोई जिक्र नहीं है, इसके पीछे कोई कारण क्या? देखिए, ये भाजपा की रणनीति है, भाजपा लोगों को गुमराह करती है, और मुझे नहीं लगता कि आज के चुनाव में मेन मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और इनके जुमला गारंटियां हैं। एक सवाल और, कि जिस तरीके से कांग्रेस ने तमाम वादे दावे किए हैं, वहीं दूसरी तरफ NDA की तरफ से 400 पार का नारा, वहीं BJP की तरफ से 370 पार का नारा दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार जो कंपटीशन है या फिर राजनीतिक टक्कर वो किस तरह की होगी, और क्या कांग्रेस की तरफ से कोई आंकड़ा पेश किया जा रहा है? हम लोग आंकड़े वाली पार्टियां नहीं है और ना ही हम लोग जुमला पार्टी है। 400 पार जो कर रहे हैं, अंदर से घबराहट है, हम उनको चैलेंज करते हैं। इस बार उनकी 150 से 160 सीटें आएंगी, वो मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे, यही उनकी घबराहट है। सिर्फ 400 पार से आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि 400 पार क्यों? आप क्या आपने युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी हैं क्या? 400 पार क्यों? क्या गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है क्या? तो ये सारी बातें हैं जो लोगों के बीच अब पहुंच चुकी है, और ये फिर से एक बार लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपने सुना रंजीता रंजन जी को साफ तौर पे भाजपा पे निशाना साधते हुए कहा कि 400 पार केवल दावा और वादा है, जुमला है ये इस बार कारगर नहीं होने वाला है। वही कांग्रेस का मैनिफेस्टो में तमाम वादे किए गए हैं, चाहे वो नौकरी हो, EWS और तमाम जो आर्थिक निजी संस्थान हो उसमें भी आरक्षण देने की, तो अब देखना है कि जमीनी स्तर पे इसका कितना असर होता है और आगामी लोकसभा चुनाव पर इसकी क्या प्रतिक्रिया जनता की तरफ से मिलती है। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं मेघा उपाध्याय, AP News, दिल्ली।